ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पोषण अभियान से बच्चों और माताओं को मिली नई ऊर्जा पर विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रही हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पुरी और पत्रकार अमरेंद्र किशोर। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका सीधा प्रभाव देश के विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। बच्चों की सेहत की रक्षा एवं उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पुरी, करीब 370,000 आशा और तकरीबन 82,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया है और इस अभियान में 23,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण स्तर पर इस अभियान को जो सफलता मिली है उसके बारे में आपकी राय क्या है? पोषण अभियान जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक एम है सबको सेंसिटाइज करना कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और जो नए बच्चे पैदा होते हैं, तो इन सबके लिए जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत ही अहम है। तो इसकी जानकारी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं सब लोगों को मालूम जितनी की होनी चाहिए। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जब भी ऐसे पोषण माह मनाया जाता है तो एक ये फोकस टाइम होता है जिसमें सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और खास तौर पे इसके ऊपर ध्यान देते हैं। डॉक्टर पुरी, शहरों के अलावा यदि गाँव की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर इस बात को लेकर ज्यादा जोर दिया जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक घंटे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं के मृत्यु के 20% मामलों को कम कर देता है और आगे चलकर कई तरह की बीमारियां बच्चों को नहीं होती। तो इस तरह की बात ग्रास रूट लेवल पर जाकर कहना एक खास मायने रखता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पोषण की महत्वता के बारे में और बच्चे को पैदा होते ही आधे घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में दोनों जगह इम्पोर्टेंस है इस बात की। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर हम शहर की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी कुपोषण है, वहाँ कुपोषण कम वजन और पुअर न्यूट्रिशन वाला नहीं है, वहाँ ओवर वेट का प्रॉब्लम है, वो भी बच्चे के लिए उतना ही नुकसानदेह है और माँ के लिए जितना कि कम वजन और कम पोषण की बात है। थोड़े कम डेवलप्ड इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो जो आशा लोग हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो ANM है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सब इसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर गर्भवती महिला का, नवजात शिशु का अगर पोषण ठीक होगा तो कंट्री की हेल्थ ओवरऑल वो सारी की सारी इम्प्रूव होगी। तो एनीमिया को हटाना है और हमें जो स्तनपान कराने के लिए प्रमोट करना है और स्तनपान आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू करने पे का प्रमोशन करना है और स्तनपान पहले 6 महीने केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इसके बारे में हमें एम्फसाइज करना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम सब इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इसका सब लोगों को महत्व समझाते भी हैं और खुद भी समझते हैं। इस अभियान में जो एक खास बात है वो है अनुपूरक आहार को लेकर के है, तो इसकी जरूरतों पर इस अभियान में खास तौर से जोर दिया गया है। तो स्तनपान के साथ साथ अनुपूरक आहार के बारे में आप बताइए, क्योंकि दूर दराज की माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को इसके बारे में समझ रखने की खास जरूरत है। ऐसा होता है कि जब बच्चा पहले 6 महीने, तो हम कहते हैं कि माताएं अपने बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाएं और उसके बाद केवल दूध के ऊपर बच्चा नहीं रह सकता, तो 2 साल तक स्तनपान कंटिन्यू कर सकते हैं, पर धीरे धीरे करके उसको जो और तरह का खाना है जैसे केला हुआ और दाल का पानी हुआ और दही हुआ, तो इस तरह की चीजें जो सेमी सॉलिड है उसको ऐड करनी चाहिए ताकि जो बच्चे की बाकी जरूरतें भी पूरी हों। और इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी हम बैलेंस फूड के ऊपर बहुत जोर देते हैं और हमें कहते हैं कि जो खाना है वो सब चीजों में, जैसे चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो फैट हो, तो ये सारी चीजों की मात्रा जो है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अनुपूरक आहार को लेकर जो इलाकों में, देहातों में जिस तरह की बात होती है, जो ट्रेडिशनल फूड है आपका, उसमें विटामिन के मामले में बहुत ही अच्छा होता है, उस बारे में आप बताइए कि कहाँ तक उसकी भूमिका है वैसे आहार की और कैसे उसे लोगों के बीच में फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए उस परंपरा से। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, चाहे ज्वार है, जैसे रागी है, कोई भी तरह की जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो जिस जिस एरिया में लगे हैं, तो हर चीज का अपना महत्व है क्योंकि हर जगह पे जो उत्पादन होता है वो इसी हिसाब से होता है।
कि जो पूरा का पूरा खाना है वो सब तरह से पूर्ण हो। लोग सोचते हैं कि शायद दवाइयां लेने से, प्रोटीन पाउडर लेने से बच्चा तंदुरुस्त होता है, ऐसा नहीं। चाहे माँ हो चाहे बच्चा हो, जो जिस एरिया में उनकी जो अपने ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको ठीक मात्रा में लेना चाहिए और अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखनी चाहिए। डॉक्टर पुरी, जहाँ तक बात शहरों के खान पान की संस्कृति को लेकर है, वैसे ही गांव पे और जो जंगलों में जो लोगों का खाना पीना का एक अपना एक रहा है, रिवाज रहा है, उनकी एक संस्कृति रही है, दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मिलान जरूरी है, क्योंकि वो भी कुछ अच्छा खा रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा खा रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होना जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमें रिसर्च मोड में आना चाहिए, जबकि यहाँ के वो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनका काफी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, और जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे मान के चलिए कि जो उनका अपना भोजन होता है उसकी अपनी विशेषता होती है, तो वो समझना कि कहाँ के भोजन की क्या विशेषता है, और फिर सारे लोग मिलकर आपस में उसके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, एनीमिया जो इतनी बड़ी सी चीज है, जो हम आज तक उसको अच्छी तरह से मतलब हटा नहीं पाए, अभी भी 50% से ज्यादा हमारे बच्चे और माएं जो हैं वो एनीमिक हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये जागरूकता भी बहुत जरूरी है कि जो एनीमिया है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो दिमाग से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, तो ये चीज भी सबको बताना जरूरी है कि माताओं के लिए आयरन लेना, और यंग गर्ल्स जो छोटी लड़कियां हैं उनको भी आयरन कैल्शियम देना बहुत बहुत जरूरी है। आपका इशारा जो फूड के बारे में था कि हाँ एक दूसरे के फूड कल्चर को हम लोग आपस में अपनाएं, उसमें रीजनल लेवल का जो लेबोरेटरी है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। डॉक्टर पुरी, बिल्कुल, जब तक हम पहले जो उनका खाना है उसके बारे में खुद जानकारी लें और फिर उसको बाकी सब के साथ शेयर करें, यही एक तरीका है जिससे कि इंटीग्रेशन होगा। हमारी जो कंट्री है उसमें इतने अलग अलग तरह के लोग हैं और इतना अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, पर हर रीजन अपने आप में बहुत रिच है जहां तक उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड कंसर्न है, उनके कल्चर कंसर्न है, तो मैं समझती हूँ ये सारा इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, और रासायनिक तौर पे भी मतलब रिसर्च मोड में भी होना चाहिए जिससे कि फिर हम बाकी कंट्रीज के साथ भी इसको शेयर कर पाए। डॉक्टर पुरी, भारत सरकार के लिए अब कहाँ तक इस बात के लिए सहमत है कि कुछ जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, तो सही कीमत पर वो सारा अनाज और जितने भी पोषण तत्व हैं वो मिल सके लोगों को, उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं ऐसा समझती हूँ कि पहली बात हमें ये जानकारी हो कि कहाँ पे कौन सा फूड है और उसका क्या फायदा है, और फिर डेफिनेटली हमें ग्राउंड लेवल से उसको प्रमोट करना चाहिए जिससे कि कोई चेन ऐसी बने जिससे कि दूर दराज के एरिया से भी हम उस फूड को कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपका कहने का मतलब यह है कि भारत का एक खाद्य नक्शा बनना बहुत जरूरी है। Absolutely. इससे बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी, सहजता आ जाएगी। एब्सोल्युटली, यहाँ बैठे हुए हमें पता नहीं कि कहाँ पे क्या है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है कि अगर हम किसी भी एरिया में जाएं मैप के ऊपर और देखने की कोशिश करें कि वहाँ पे क्या चीज है जो बहुत अच्छी है, तो वो हमें इमीडिएटली नजर में आनी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास है, पंचायती राज, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पोषण को बढ़ावा देने के लिए आपस में एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। नतीजतन यह भारत सरकार का एक बेहद सफल अभियान बनता जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर इस अभियान के भविष्य को लेकर आपकी क्या उम्मीद? ग्रामीण स्तर पे ये चीज ज्यादा हमें बताने की जरूरत है कि वहाँ के लोगों को ये समझ आए कि जो खाना खाद्य पदार्थ उनके पास है उनमें से कौन सी चीज की क्या इम्पोर्टेंस है और उनको कैसे वो बैलेंस डाइट बना के लेनी है, तो ये मैं समझती हूँ कि गांव के स्तर पर ये इम्पोर्टेंट चीज। डॉक्टर पुरी, इस महत्वपूर्ण अभियान को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे पोषण अभियान से बच्चों और माताओं को मिली नई ऊर्जा पर विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रही थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पुरी और पत्रकार अमरेंद्र किशोर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।